भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवन यात्रा हर पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगी। भारतीय बौद्ध परिषद के ट्रस्टी गुरु प्रसाद मदान ने आज आग्रह किया कि उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करने वाली दुर्लभ फोटो प्रदर्शनी सभी को देखनी चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज से डॉक्टर चिचोली शांतिवन में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवन यात्रा पर एक मल्टीमीडिया फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल संग्रहालय में आयोजित किया गया था। प्रदर्शनी का उद्घाटन गुरु प्रसाद मदान ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक विद्यापीठ महू के पूर्व कुलपति सी डी नाइक, डॉक्टर चिंचोली बाबा साहेब आम्बेडकर मेमोरियल म्यूजियम की कोषाध्यक्ष संजय पाटिल, पत्र अधिसूचना कार्यालय के उप निदेशक शशीन रॉय, केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी सौरभ खेके उपस्थित थे। आज से शुरू हुई यह फोटो प्रदर्शनी 25 अक्टूबर तक चलेगी। इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथियों ने अपनी रुचि व्यक्त करते हुए फोटो प्रदर्शनी का लाभ उठाने की अपील की। मल्टीमीडिया फोटो प्रदर्शनी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवन यात्रा दिखाई गई है और बाबा साहेब के कार्य, विभिन्न देशों की यात्राएं, नागपुर में धम्म दिशा दिवस की तस्वीरें सामने आई है। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बौद्ध अनुयायियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।